अच्छा ये देखें जी, आज मैं भे बनाने लगी हूँ। ये होते हैं भे जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, और ये देखें ये बॉईल हुए में टूट टूट के सही नरम हो गए ना बॉईल होके। ये देखें ये मैंने बॉईल करके रखे थे। अब इसमें क्या क्या चीज़ डलती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी 3 प्याज जो बारीक बारीक काटे हुए, 4 से 5 हरी मिर्ची हैं जो टेस्ट के लिए, ये 1.5 चम्मच वो है लहसुन, उसका मैंने कूट लिया, और ये 1 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच ही अदरक है, ठीक है। अच्छा ये 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया, ठीक है। ये अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल तकरीबन इसमें 1 से 1.5 कप डलेगा क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है, ठीक है। अब मैं चूल्हा जला लूँगी जी। ये मैंने प्याज डाल दिए हैं। असल में इसमें ना प्याज ज़रा ज़्यादा डलते हैं क्योंकि, और ये खड़े खड़े होते हैं प्याज, खड़ा खड़ा मसाला होता है, तो ये इसमें ज़्यादा डलते हैं ज़रा प्याज, तो इसलिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के और 1 छोटा 3 प्याज मैंने काटे हैं बारीक बारीक। ये मैंने इसमें टमाटर नहीं डलते, इसमें दही डलती है। चलें प्याज फ्राई हो जाए फिर बताती हूँ। चलें जी लाइट भी चली गई है, ये देखें ये लाइट भी चली गई है। ये आओ बेटा दरवाज़ा खोलो इधर से आके। ये दही है, 1 कटोरी दही दही हो जाएगी, ठीक है। प्याज जब फ्राई होंगे थोड़े से नरम हो जाएं फिर इसमें मसाला डालेंगे हम, ये वाला मसाला सारा डालेंगे। लहसुन अदरक जो है वो बाद में डलेगी क्योंकि लहसुन अदरक का जो खुशबू होती है ना वो बड़ी इसमें अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। नया दिन नया व्लॉग स्टार्ट है। लाइट भी नहीं है, गई हुई है क्योंकि 4 बजे जाती है, 5 बजे आती है लाइट। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि भे बनाने हैं, लेकिन कल मैं नहीं बना सकी, तबीयत ख़राब थी। आज मैं भे बना रही हूँ, तो उसकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह बनते हैं और क्या क्या चीज़ है। चलिए ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, देखिए सारी रेसिपी। अच्छा जी ये देखिए, इनको ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ऐसे हल्का हल्का सा नरम हो जाए। तो इसके अंदर हमने मसाले डाल देने हैं। ये मैं मसाले डालने लगी हूँ अब इसके अंदर, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे। पानी मारने पानी लगाने से, मतलब थोड़ा सा पानी इसमें डालने से ये होगा कि इसका मसाला नहीं जलेगा और प्याज थोड़े नरम हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा अदरक हम इसमें इसी अभी डाल देंगे, ये देखें अदरक हम अभी डाल देंगे। अब हम इसमें भे डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो हम ना थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही हम इसके ये बकाया जो लहसुन है ये डालेंगे।
इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और दही। तो अब हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है लहसुन की और अदरक की, के कूट के इसमें दलता कूट के ये लहसुन अदरक, साबुत नहीं डालना, कूट के डालना है, ग्राइंड करके भी नहीं डालना, दौरी डंडे में कूट के डालना है, ठीक है। अब इस सूरत में हम इसमें दही डालेंगे। बहुत मज़े का, बहुत चटपटा बनता है ये, बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ मैं। जब मैं भावलपुर हुआ करती थी तो वहाँ बहुत बनाती थी। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने चूल्हा साफ नहीं किया, बस सुस्ती हो जाती है, तो इंशाल्लाह चूल्हा भी साफ़ करती हूँ इसमें। ये आज 2-3 दिन हो गए हैं मेरे मैदे में और पेट में शदीद दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। इतना है कि मैं खड़ी होकर खाना भी नहीं बना सक रही, जिसकी वजह से मैं कल भी मैंने नहीं बनाया खाना, और लेकिन आज बनाना था क्योंकि कुछ भी नहीं बना हुआ था। अभी भी मैं देखें थोड़ा सा मैंने उधर काम किया है और उसको सालन को मैंने भुना है, उसमें वो बे डाले और मेरे मैदे में दर्द हो गया तो मैं आके बैठ गई हूँ। अभी मैंने हालांकि ठंडा ठंडा शरबत भी पिया है, मैं चीनी के बगैर लिया है, मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा है ज़रा कुछ दर्द बेहतर होगा, लेकिन शदीद दर्द हो रहा है और पेट में भी दर्द है। मुझे 3 साल पहले मैं भावलपुर थी, रमज़ान शरीफ में रोज़े शोज़े भी रख रही थी, जब नया नया कोरोना आया था तो मैं फंस गई थी भावलपुर में। मैं 2-2.5 महीने अपने भाई के घर रही थी, तो उस वक़्त मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ था रमज़ान शरीफ में। इतना हुआ था कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी और मुझे अब दोबारा से उसी टाइप का तकलीफ़ हो रही है मेरे। तो 3-4 दिन हो गए हैं मेरे दर्द है, मैं इग्नोर कर रही हूँ कि ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, किसी वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी वक्त कम हो जाता है। अब मुझे नहीं समझ आ रही, लेफ़्ट साइड पर पेट में दर्द होता है मुझे और फिर स्टमक में दर्द होता है मुझे शदीद किस्म का। अब बस इसके पेपर ख़त्म हो राहीन के तो फिर मैं अपना जाके चेकअप करवाऊंगी, दिखाती हूँ क्या मसला है। बस अभी तो चल रहा है ऐसे। आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे फेस की स्वेलिंग उतरी हुई है, कल तो बहुत ज़्यादा थी स्वेलिंग मेरे फेस पे, आज नहीं है, अल्लाह का करम है, बहुत कम है। तो बस कभी कभी हो जाता है ऐसे मेरे साथ कि स्वेलिंग भी हो जाती है मुझे, जब तकलीफ़ होती है मुझे स्वेलिंग भी हो जाती है, या मेरी नींद पूरी ना हो या कोई टेंशन परेशानी हो और ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उससे फिर मुझे स्वेलिंग हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी नींद भी पूरी हुई है, क्योंकि आज इसकी भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, इसकी पेपर नहीं है, ट्यूसडे को इसका पेपर है, कल इसी की अकेडमी जाना है इसने, और पेपर की तैयारी, इंग्लिश का पेपर है इसका। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी कामयाब हो, ठीक है। चलें मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक है, बन गया सालन हमारा और रोटियां भी बन गई हैं। राहीन ने टेस्ट के लिए लिया अभी थोड़ा सा, तो हो रहा है, ये हमारा सालन है जी। जनाब बस मैं उस वक़्त खाना खाया मैंने और खाना खा के तो मुझे एकदम से नींद आ गई तो मैं सो गई, और बस फिर अचानक अभी मगरिब से थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुली तो मैंने कहा ओहो, मैंने तो व्लॉग भी एंड नहीं किया और ना मैंने एडिट करके लगाया, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से इजाज़त मांगूं और कल के लिए फिर इंशाल्लाह नया दिन, नया व्लॉग, नया जज्बा। मुझे बताइएगा कि भे आपको कैसे लगे और उसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। जो लोग नहीं जानते उन लोगों ने भी देख लिया कि भे क्या चीज़ होती है, और
मतलब मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, मेरी बेटी ने नहीं खाई, राहीन ने नहीं खाई रोटी, कहने लगी मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा अच्छा चलो तुम अंडा बना लो, कुछ ले लो। तो उसने नहीं बनाया, अभी सो रही है, वो उठेगी तो फिर जो दिल चाहेगा अपना बना के खा लेगी। कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है, ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। और काइंडली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, बहुत मेहरबानी है, मेरे चैनल को प्रमोट करें, ठीक है। मेरी बेटी के लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। अल्लाह पाक किसी मकाम पे इन दोनों बच्चों को लेके आए ताकि मेरी परेशानी ख़त्म हो, ठीक है। चलें इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगी। ज़िंदगी रही तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान, फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।